ज़्यादा किया, जैसे जहांगीर जो हैं, शहनशाह जहांगीर, वो शराब पीते रहते थे, याशों में मुलवस याशी करते रहते थे, इधर खातून होती थी, इधर खातून होती थी, उसका वो चलते थे। लेकिन उनके बारे में नई रिसर्च आई है इस सेंट एम्परर के नाम से, ज़बरदस्त आर्टिकल है, उसे बड़े नेट पर मौजूद है, उससे पता चलता है वो दरवेश आदमी था, एक सूफी शहनशाह था। और तो मैंने उसको जब ये आर्टिकल मैंने पढ़ा तो मैंने इस पर मजीद रिसर्च, जिसे मैं ऑलरेडी पढ़ चुका था स्टूडेंट केसेस से, मैंने तो उसकी जहांगीरी का दोबारा मुताला किया और मैंने मुझे अंदाज़ा हो गया कि उसकी मुझे वो चीज़ें बकायदा जो हम कह सकते हैं कि उसको हमें अंदाज़ा हुआ कि वाकई उसकी जो सोच थी सूफी की तरह की सोच थी। इस तरह ही हम उस पर इल्ज़ाम लगते हैं अनारकली का, ये वाक्य गलत है, अनारकली तो वाक्य हुआ ही नहीं, उसमें फिल्म बन गई और दिलीप कुमार साहब ने ज़बरदस्त एक्टिंग कर दी, पृथ्वीराज कपूर ने शहनशाह अकबर का किरदार अदा कर दिया, तो एक वो वाक्य हुआ ही नहीं, उसमें फिल्म बन गई और दिलीप कुमार साहब ने ज़बरदस्त एक्टिंग कर दी, पृथ्वीराज कपूर ने शहनशाह अकबर का किरदार अदा कर दिया, तो एक वो एक लाजवाब फिल्म बन गई, उसमें मधुबाला की एक्टिंग ने कमाल कर दिया। लेकिन एक्चुअली हकीकतन ऐसा कोई किस्सा मौजूद नहीं है, ऐसी कोई कहानी मौजूद नहीं है। शाहजहाँ जो है वो भी कहते हैं आशिक मिजाज पुराना था, इंजीनियर था, उसने ताजमहल बनाया, उसने मुझे वो हाथ काट दिए और